सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज विक्रम सिंह चौहान बैक अगेन विद न्यू ब्लॉग वीडियो। सो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। गाइस, आज हम लोग अहमदाबाद की बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़े मेगा मॉल को विजिट करने आए हुए हैं, जिसका नाम है पैलेडियम मॉल। दोस्तों, मैंने इस मॉल के बारे में काफी कुछ सुना हुआ है और यहाँ पर 250 से भी ज्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स अवेलेबल है और इस मॉल को काफी अच्छा आर्किटेक्ट किया हुआ है। तो चलिए हम लोग मॉल को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस, ये पैलेडियम मॉल का आउटलुक है और आप लोग देख सकते हैं काफी शानदार लग रहा है। वहाँ बड़े अक्षरों में पैलेडियम मॉल लिखा हुआ है और एक लोगो भी बना हुआ है और ये पूरा छोटे छोटे स्क्वायर शेप में डिजाइन किया हुआ है। और ये जो स्क्वायर शेप्स है, ये रात के समय में इनका जो कलर है चेंज हो जाता है और काफी बढ़िया साइन करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग पैलेडियम मॉल के अंदर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो इंटीरियर है वो काफी शानदार लग रहा है। और मेरे पीछे एक हॉर्स बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, गाइस ये हॉर्स पूरा ब्रॉन्ज का बना हुआ है और इसे 1918 में बनाया गया था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों, आप लोग इस हॉर्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ऑक्शन में ये 6 करोड़ रुपए में सेल हुआ था। गाइस, अब मैं आप लोगों को इस मॉल की सबसे अट्रैक्टिव एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज दिखा देता हूं, जो कि इस मॉल का झूमर है। दोस्तों, ये पैलेडियम मॉल का झूमर है और आप लोग देख सकते हैं काफी बड़े साइज का झूमर है। इसे बहुत ही अच्छा डिजाइन किया हुआ है और देखने में बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहा है। और इसमें जो लाइटिंग वगैरह की गई है वो भी काफी शानदार लग रही है। गाइस, अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे क्लोथिंग हो गया, बैग्स वगैरह देख सकते हैं आप लोग वहाँ पर, बॉस, सनग्लास और यहाँ अरमानी एक्सचेंज का आउटलेट है। और ये देखिए गाइस, ये पूरा डीजल का आउटलुक है। दोस्तों, यहाँ पर पैलेडियम मॉल का बड़ा सा मैप बना हुआ है और आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन सी चीजें कौन से फ्लोर पे हैं, ये सब बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ताकि आप लोगों को ज्यादा रिसर्च ना करना पड़े और आप लोग अपने आउटलेट तक इजिली पहुंच सके। गाइस, यहाँ पर एक पियानो रखा हुआ है और फिलहाल पियानो वाले भैया अवेलेबल नहीं है, वो शाम को 6 बजे के बाद आएंगे। सो अगर पॉसिबल हो पाए तो हम लोग इसे भी अपने वीडियो में कवर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी मैं आप लोगों को मॉल के फ्लोर्स दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं फ्लोर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, इन्हें काफी अच्छा डिजाइन और आर्किटेक्ट किया हुआ है। गाइस, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। अगर इन फ्यूचर आप लोग भी अहमदाबाद आइएगा तो इसे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। गाइस, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे क्या चीज है वो सब आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं। ये ज्वेलरीज का बहुत ही बड़ा ब्रांड है और वहाँ ऊपर में कुछ अलग अलग ब्रांड्स के लोगो भी लगे हुए हैं। और गाइस, वहाँ सामने कुछ ट्री जैसा बना हुआ है, वहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। चलिए हम लोग उसके पास में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट क्रिएट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कुछ बड़ा सा ट्री जैसा बना हुआ है, नीचे एक गोल्डन हिरन है और कुछ गिफ्ट बॉक्स वगैरह भी हैं। और इस ट्री के ऊपर एक स्टार भी लगा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, और यहाँ से भी आप लोग मॉल के ऊपर का इंटीरियर देख सकते हैं, जो की काफी शानदार लग रहा है और जो लाइटिंग वगैरह है वो भी काफी अच्छे लग रही है। गाइस, आप लोग यहाँ के ब्रांड देख सकते हैं, ये द कलेक्टिव है और सामने राडो वॉचेस है, जो हाई क्वालिटी एंड एक्सपेंसिव वॉचेस बनाने के लिए जानी जाती है। ये कोको कार्ट है, यहाँ पर आप लोगों को चॉकलेट, स्नैक्स एंड जेम्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये जोया का ज्वेलरी शॉप है और इसके बगल में किसी मेकअप का ब्रांड है। गाइस, मॉल के अंदर हमें ये भैया मिले थे, इन्होंने बोला कि आप हमें भी वीडियो में ले लीजिए, सो हम इन्हें भी ले रहे हैं। भैया कैमरे में हाय बोल दीजिए। दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पे खास करके क्लोथिंग की चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये ब्रुक्स ब्रदर्स है और मेरे पीछे एक स्पोर्ट्स क्लोथिंग का ब्रांड है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस, अब मैं आप लोगों को इस मॉल की एक और एक्सपेंसिव चीज दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़े साइज का हिरन है और काफी खूबसूरत लग रहा है। इसके सिंग में कलरफुल फ्लावर्स लगाए हुए हैं, जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। और आप लोग इसे भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है 1.5 करोड़ रुपीज है। गाइस, इस मॉल में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, सो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों को सारी चीजें 1 बाय 1 दिखा सकूं। सो जितना हो सके हम लोग वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, ताकि आप लोग वीडियो देखने में बोर ना हो और आप लोगों को वीडियो देखकर मजा आए। गाइस, अब मैं आप लोगों को एक और अच्छा सेल्फी पॉइंट दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, गाइस यहाँ पर बहुत सारे एक्समस ट्री है, ये देखिए, और इसमें लाइटिंग वगैरह लगी हुई है जो की काफी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं, ये खास करके अभी क्रिसमस आने वाला है इसलिए इसे अच्छे से सजाया गया है। और यहाँ पर भी ऊपर एक झूमर है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये वाला झूमर भी काफी बड़ा है और काफी शानदार लग रहा है। गाइस, चलिए अब हम लोग ऊपर चलते हैं। गाइस, हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर भी क्लोथिंग के अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है। ये देखिए, ये फॉर एवर 21 वो अमेरिकन ईगल,
और वहाँ पर सैंडल के शॉप्स वगैरह हैं और वो पर्स वगैरह हैं। और वहाँ देखिए गाइस, वहाँ केक का कैफे एरिया है, चलिए उसके पास में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस अब मैं आप लोगों को कोहिनूर दिखा देता हूँ, यानी कोहिनूर का हीरा। गाइस फाइनली पियानो वाले भैया आ चुके हैं जो कि काफी अच्छा पियानो बजा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस अब हम लोग मॉल के सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं और सेकंड फ्लोर पर क्या चीजें हैं वो सब मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में दिखा देता हूं। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn I feel like no one takes accountability, they want the credit. Guys ye Palladium mall ka 5th floor hai aur ye sabse last floor hai aur yahan par pura food area bana hua hai, yahan par alag alag variety ke food wagaira hai jaise pizza ho gaya, snacks ho gaya aur everything other cheeze. गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को शॉप के अंदर जाके चीजें क्यों नहीं दिखा रहा हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर अलाउड है, जहां अलाउड थी मैंने आप लोगों को दिखाया, बाकी चीजें मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, बाकी आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। गाइस अब हम लोग मॉल के 4th फ्लोर पर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे टाइम जोन बना हुआ है जहां पर बहुत सारे अलग अलग गेम्स वगैरह हैं, चलिए उसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. गाइस अब रात हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं बाहर का नजारा काफी शानदार लग रहा है और मॉल दिन के मुकाबले रात को बेहद खूबसूरत लग रहा है। गाइस आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।